सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल मिस धवन। सो गाइज, आज मैंने किया कपल्स पे प्रैंक। तो आपको क्या करना है, जाके वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए। मैं आपको मिलती हूँ वीडियो के बाद। क्या बाबू, बताओ ना। बाबू मान जाओ यार। कुछ नहीं हुआ यार, बाकी सब तो ठीक है। तुम बताओ, एक बात बताओ, तुम तो मेरे को बोल रहे थे अभी वहाँ घूमने के लिए। एक्सक्यूज मी, दो मिनट या बैठ सकती हूँ प्लीज? हाँ यार, श्योर बैठ जाइए, कोई दिक्कत। थैंक यू सो मच यार। कपल्स तो मोस्टली मना ही कर देते हैं कि नहीं बैठना, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप बैठिए, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अभी कहाँ चलने का प्लान है यार? मैं तो सोच रही हूँ, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, कहीं घूमने चलते हैं। वही तो मेरा भी मन हो रहा है, है ना। मैं सोच रहा हूँ अगले हफ्ते में पूना चले। पूना? नहीं यार, मैं सोचू ना मनाली चलते, कितना औसम मौसम है। हाँ। सीरियसली, लाइक दिल्ली में इतना ठंड है तो वहाँ कितना बढ़िया हो रहा होगा ना। वहाँ तो और ज्यादा ठंडी होगी। अभी पता है वहाँ पे बर्फ भी गिर रही होगी। है और क्या। अरे तो बढ़िया है ना, मेरे को तो, तुम्हें पता है स्नोफॉल कितना पसंद है। है ना, बिल्कुल पसंद है। तो चलने की तैयारी करते हैं। आप हाँ। अपने घर पे बोल देना कि मैं जा रही हूँ कुछ काम से, ऑफिस के काम से, कुछ भी बोल देना। अरे डोंट वरी यार, क्या हुआ तुम ऐसे क्यों भी? कुछ नहीं कुछ नहीं, बोलो ना। तो चलेंगे ना पक्का? तो मैं ना सोच, निकल जाओ यार। देखो कितना, देखो पतझड़ हो रही है, कितना सुंदर लग रहा है ना। मैं पता है 2 घंटे पहले यहाँ पे आता तो थोड़ा और ही मजा आता है। क्या हुआ तुम्हें, झटके क्या लग रहे हैं? वैसे ही ठंडी सी लग रही है ना मेरे को। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम मेरे पास बैठो ना। और बताओ, क्या बताऊं यार, घर में क्या चल रहा है, सब कैसे हैं? घर में तो सब ठीक है। तुम शादी कब करोगे? शादी कर लेंगे, क्या है शादी में, मैं भी अरे हाँ, हमने शादी का तो प्लान कर लिया था ना। वो सब छोड़ो, मैं सोचूं ना हम ना डेस्टिनेशन वाली वो करेंगे शादी, जैसे क्या कहते हैं, पता, लोकेशन होनी चाहिए गोवा। कितना सेक्सी लगेगा। मेरी फैमिली एग्री नहीं करेगी ना। क्या हुआ तुम्हें, तो ऐसा बार बार ही झटके लग रहे क्या? नहीं कुछ नहीं, चलो। हाँ, मेरी फैमिली एक्चुअली बॉम्बे रहती है ना, तो बॉम्बे में ही एडमिट कर रहे हैं। क्या चल रहा है? पता नहीं कौन है, आके बैठ गए यहाँ पे। तुमने भी बोल दिया यहीं पे बैठ जाओ। रुको मैं देखती हूँ कुछ करेगी तो। अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। कुछ नहीं कर रही है वो, चलो कोई नहीं, हम लोग बात करते हैं। हाँ तो क्या बोल रहे थे? हाँ, मेरी फैमिली एग्री नहीं करेगी यार वहाँ पे गोवा का। अब बॉम्बे का ही रखते हैं, बॉम्बे में जो भी होगा अपना होटल वगैरह कुछ भी ले लेंगे। बीच साइड होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स यार, जो तुम बोलो मैं वो करूँगा यार। तुम्हारे लिए प्यार करता हूँ ना यार बाबू, तुमसे किसी और से शादी भी नहीं कर सकता, वरना मैं सोच रहा था मैं दूसरी पटा लूँ, पता है। ये कर रही है क्या डिस्टर्ब आपको? एक्सक्यूज मी, यस, आप कुछ इनको टच क्यों कर रहे हो बार बार ही? टच मैं क्यों करूंगी? आप कर रहे हो, वो बेचारा कुछ बोल नहीं पा रहा मेरे को बेचारा। छोड़ो ना बाबू, जान दो ना, कोई बात नहीं। जाने वाली बात क्या है भाई, वो टच करे तुम्हें बेफालतू। मैम आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वीडियो कॉलिंग पे अपने बंदे से थी और मैं उससे बात ही कर रही हूँ। लेकिन आप टच, आपको गलत फहमी हुई है, आप काम डाउन प्लीज, आप बैठिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, कभी कभी लगता होगा ऐसा। छोड़ो ना, हम लोग बात करते हैं ना, रहने दो। और बताओ। तो ना बीच साइड वेडिंग होनी चाहिए और एकदम बढ़िया सा, यू नो। यार हद कर रहे हो आप, मैंने अभी खुद देखा, आपने टच किया उसे। देखो, ये देखो फोटोज वगैरह भी देखो। वो तो ठीक है, लेकिन आप इनको टच करे, मैंने अपनी आंखों से देखा अभी, आपने इनके टाइस पे टच किया। मैं कर रही, मैं क्यों टच करूंगी, मेरे पास ऑलरेडी मेरा बंदा है, मैं क्या दूसरे बंदे को छेड़ूंगी आके यहाँ पे? अरे भाई आप अजीब बात कर रहे, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से टच करते हुए। लड़की लग रही हूं क्या, जो बंदे को आके छेड़ दिया, पर्सनैलिटी नहीं दिख रही क्या? पर्सनैलिटी होगी, लेकिन आप मेरे बंदे को क्यों टच कर रहे हो बार बार? आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, सीरियसली बता रही हूं। मेरे को मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, मैं भी नोटिस कर रही हूँ 3-4 मिनट से आप उसको टच कर रहे हो बेचारा। सीरियसली नहीं कर रही आपको, छोड़ो ऐसा ना, तुम भी छोड़ो ना यार, रहने दो। ओवर रिएक्ट कर रहे हो अभी आप ना, ठीक है, बहुत ओवर रिएक्ट। तुम बताओ टच नहीं कर रही क्या वो तुमको? अभी छोड़ो ना, जान दो ना, क्या फर्क पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो मैं तुमसे ही प्यार करता हूं ना, मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूं। देखो देख लो, कॉल पे ही है, मजाक लग रहा है ना, कॉल पे ही है, देख लो। रुको मैं अब एक बार स्पीकर, हेलो हेलो, हां जी कहां पहुंच गया, मैं वेट कर रही हूं पार्क में आपका। बस 10 मिनट लगेंगे मुझे अभी आने में। ठीक है आप आ जाओ, बस हो गया क्लियर। ये सामने है ना जो अपना पश्चिम बिहार के सामने वाला, वही वाले पार्क में ही हूँ, बस आप जल्दी आ जाओ 10 मिनट में। पता नहीं एक लड़की पागल सी, उसको लग रहा है मैं उसके बंदे को टच कर रही हूँ, उसको लग रहा है कि मैं उसकी थाई वाई पता नहीं नेक पे कहाँ टच कर रही हूँ, ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं पागल दिख रही हूँ इनको? हाँ ये पागल ही लग रही है मुझे, सीरियसली बताऊँ तो ये पागल ही लग रही है।
ऐसी लड़कियों से साइड ही हो जाओ, है ना? ठीक है, मैं ना आपका वेट कर रही थी, चेयर ना सारी रिजर्व है, इसलिए मैं यहीं पे आके बैठ गई, बट गलती कर दी। चलो तो आप बैठे क्यों हो यहाँ से, आप चले जाओ ना बाद में, आप बैठे क्यों हो? बेबी लव यू बाय। मैम एक बात बताओ, गर्लफ्रेंड मेरी है, आपको मैंने बंदे से बात करा दिया, अरे आप बोल रहे हो उसको आप, वही तो मेरे को पागल। चलो आई एम सॉरी, मेरे को 5 मिनट बैठने दो, सारी चेयर्स रिजर्व्ड है, मैं चली जाऊंगी। सॉरी का क्या मतलब, आप मेरी बंदी को आप पागल बोल रहे हो? वो पागल है, आपसे तो अच्छी है वो। अरे यार जब वो बात ही ऐसी बोल रही है, मैं तुम्हें टैग कर रही हूं, क्यों कर रही है? मैं खुद अपनी आंखों से देख रही हूं भाई, 5 मिनट हो गए आपको आए हुए, मैं भी तो देख रही हूं ना। नहीं कर रही, आप आराम से बैठ जाओ, मैं 5 मिनट में ऐसे जा रही हूं, बिकॉज मेरा बंदा आ रहा है। अगर आपको ऐसा लगेगा ना तो फिर मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तुम्हें लग ही रहा है कि मैं ही गलत हूँ, बट ठीक है, तुम्हें धक्के से ब्लेम करना है किसी इंसान को, उसको दबाना है तो भाई धक्के से ब्लेम करने वाले छोड़ो ना यार, आप भी ना यार छोड़ो ना, ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ सीरियसली? छोड़ो ना, चले जाओ अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो। मैं नहीं जा सकता, आप बैठ जाओ फिर, ठीक है मैं चली जाती हूँ यहाँ से। वो कह रही मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, कोई बात बाबू कूल डाउन यार, रिलैक्स, छोड़ो ना, मैं ओवर रिएक्ट करी, वो टच नहीं कर रहे हो, मेरे को पता है नहीं कर रहे हो। चलो ये देखो फिर से टच कर रहे हो आप इनको। एक बात बताऊं तुम्हें ना, मुझे लग रहा है ना सीरियसली तुम मेंटली डिस्टर्ब हो, सही बताऊं तुम डिस्टर्ब हो, तुम हो मैडम, आप डिस्टर्ब हो, मतलब धक्के से। गर्लफ्रेंड है वो मेरी, ठीक है ना, गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, आप उसको ऐसा नहीं बोल सकती। अब तुम्हें एक चीज बता दूं जी, बताइए, अब मैं बात कर रहा हूं आपसे, बताइए कर रहे हो ना मुझसे बात, तो सुन लो क्या प्रॉब्लम है। जहाँ पे आप बैठे हो ना ये हॉन्टेड प्लेस है फर्स्ट ऑफ ऑल, और यहाँ पे ना कपल्स को लोग परेशान करते हैं, ठीक है, जो मर जाते हैं ना लोग, जिनकी आत्माएं भटकती रहती है, जिनको मुक्ति नहीं मिलती है, वो डिस्टर्ब करते हैं कपल्स को, चाटे वाटे भी पड़ते हैं, तो शुक्र मनाओ तुम्हें चाटा नहीं पड़ा, ठीक है। और ये सबके साथ है, सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, यहाँ पे वो आत्माएं परेशान करती है। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास कर रही हो? तुम मानो या ना मानो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मुझे तुम्हारे बंदे से कोई लेना देना नहीं है, मैं इसको टच नहीं कर रही हूँ। वो वही है जो जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही हूँ, जो टच कर रहा है। भाई तुम बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, हो सकता है, मैंने भी सुना था यार। तो हॉन्टेड प्लेस है तो ये कोई सेंस बनता है क्या? कोई हैंडसम लड़कों को ही परेशान करती है, सच बताऊ ना। अब ये तुम्हारा बंदा इतना स्मार्ट लग रहा है, क्यूट है, फेस पे मतलब क्यूटनेस देखो, इसके फीचर्स देखो कितने प्यारे शार्प है, तो भाई इसको ही परेशान कर रहा है। तुम्हें किसी ने टच किया? नहीं किया ना, तो इसी को क्यों टच कर रहा है? तुम सोचो ना, इसमें कुछ तो बात होगी। वो कपल्स को ही परेशान करते हैं और लड़कों को। छोड़ो ना, तुम मान जाओ, हाँ बोल दो ना। अरे क्या मान जाओ, तुम बकवास कैसे इसकी बकवास कर रहे हो? फालतू में बकवास कर रहे हो, उसे तुम कैसे ट्रस्ट कर रहे हो इसकी बकवास पे? अलग लड़की है, तुम उससे बात क्यों कर रहे हो फिर? मैं बात कर रही हूँ तो। एक सेकंड, आप लोग काम डाउन हो जाओ प्लीज, इतना लड़ने की जरूरत नहीं आपस में। जरा सी बात का वो कर रहे हो, जो रियली मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ सीरियसली, आर यू किडिंग मी? मैं तुम्हें बकवास दिख रही हूँ। नहीं मान रही है तो उसको बोलने से क्या फायदा है उसको, जब वो अपनी बात रख रही है यहाँ पे, ये वो है, तुम्हें बोलने का मतलब ही नहीं बनता ना। फिर सुनो, आप ये बताओ, आपको लग रहा है आपको किसी ने टच किया? सच बताना। नहीं लग रहा मुझे, नहीं लग रहा। हाँ तो मैं अंधे दिख रही हूँ तुमको? मैंने खुद अपनी आंखों से 2-3 बार देखा, मुझ पर यकीन नहीं है आपको? तुम भी इतना प्यार करता हूं, तुम कैसी बकवास कर रहे हो? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। तो बताओ वो तुमसे प्यार करते हैं, अगर उनको कोई टच कर रहा होगा वो तो पहले आपको बताएंगे ना, अपनी बंदी को तो बताएगा कोई कि मेरे को कोई टच कर रहा है और चलो यहाँ से चल लेते हैं। तुम कैसी बात, टेंशन मत लिया करो, बड़ो उधर बड़ो, मैं बैठता हूं। हां तुम यहां बैठ जाओ, ठीक है, अभी अभी अब देखते हैं कौन टच करेगा। अब ठीक है सबसे बेस्ट। अब तुम्हें तो बकवास कर रहे हो ना, तुम्हें क्या मतलब, क्या यार मतलब प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम चुप रहो, बोलो। क्या बोलूं, सारा मूड ऑफ कर दिया तुमने यार। मैंने मूड ऑफ किया है? अच्छा खासा बातें कर रहा था कितने प्यार से, ऐसी की तैसी कर दी तुमने सारी। ठीक है, जब वो नहीं मान रही है बंदी, नहीं मान रही है तो तुम्हें उससे बात करने का मतलब ही क्या बनता है यार? तुम मेरे से बात करो ना यहाँ पे। तुम वो बंदी टच कर रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम्हें क्या लेना था? मैं कह रहा हूँ नहीं कर रही थी ना, तो नहीं कर रही थी, बात खत्म। टच करे कुछ भी करे तुम्हें क्या मतलब बनता है? ठीक है बहस नहीं करनी, मेरे से मतलब बनता है ना तुम्हें, मेरे से बात करो ना यार। इस टॉपिक पे बहस नहीं करनी, बहस नहीं करनी, मेरा मूड तो ऑफ कर दिया ना। मैंने ऑफ किया है, कितने अच्छे से बैठ के बात कर रहा था मैं यहाँ पे। यार प्लीज आप थोड़ा शाउट कम करो, मैं अभी कॉल पे ही बात कर रही हूँ। मैम अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, आप लड़ाई मत करो, मैं तो आपकी भलाई चाह रही हूँ, आप क्यों लड़ रहे हो इतना यार, ये बताओ। आपकी वजह से हुआ ये सारा, सारी जड़ी आपको लड़ाई की, मतलब ऊपर वाला देखता धक्के से भी किसी को इतना ब्लेम नहीं किया जाता, जो रियलिटी है मैंने आपको बता दी। भाई यहाँ पे सीन है कुछ, यहाँ पे एक्चुअली पता क्या हुआ था, एक कपल था ठीक है, तो उनके मम्मी पापा मान नहीं रहे थे शादी के लिए, तो उन्होंने यहाँ पे सुसाइड कर लिया था, वो भाग के आए थे और उन्होंने यहाँ पे सुसाइड कर लिया था, और फिर उनकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है और स्पेशली लड़कों को ही परेशान करती है, पता तुम्हें? तो इसलिए तुम्हें थोड़ा अपने आप की टेक केयर करने की जरूरत है, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बस सुन लिया अभी यार, ऐसी कोई कहानी मैंने सुनी ही नहीं है, कहानी यहाँ तो मैं भी रहती हूँ ना, मेरे को तो नहीं पता ऐसा कुछ यार। ऐसा हो सकता है, काफी जगह मैंने सुना है यहाँ पे,
ऐसा हो भी सकता है यार? वो बस बकवास कर रही है और तुम उसकी बात पे आ रहे हो। नहीं यार, हर कोई ऐसा नहीं होता है यार। चलो यार, आप लोग चिल करो, साथ में बैठो दोनों। नहीं, मुझे नहीं बैठना है, सारा मुंडी ऑफ हो गया है। क्या बैठूं, साथ में बैठ के बात करूं? अरे ठीक है यार। अबे जाओ यार, हाथ हटाओ यार मेरे पर से। ठीक है ज्यादा ना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चुपचाप से बैठे हो, शांति से इस बात को खत्म करो और मेरे से बात करो। क्यों बात करूं मैं? अब मेरा मन नहीं है बात करने का। अभी तक मैं प्यार से बात कर रहा था ना तुमसे, तुम्हारे अंदर एटीट्यूड था, उससे झगड़ा करने का था तुमको, है ना? अब मेरा मन नहीं है बात करने का। खूबसूरत लड़कियों से झगड़ा करना भी नहीं चाहिए। देखो ना वो कैसी है यार, थोड़ी सी अच्छी लग रही है यार वो भी। So what do you mean by this? तुम्हें अच्छी लग रही है तो मैं क्या बुरी लग रही हूँ? उस तरीके से मैं नहीं बोल रहा था यार। बुरी लग रही हूँ? यार जो इंसान अच्छा होता है मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ। ठीक है, वो अच्छी लग रही है तो मैं बेकार हूँ ना? इसका मतलब तो यही कहना चाह रहे हो? इसका मतलब तो मैं यही कहना चाह रहे हो तो इसी से शादी कर लो ना। मैं इसे शादी क्यों कर रहे हो फिर? यार ये अभी तुम ही जो है ना दिमाग की दही कर रहे हो, ये बातें आगे ना बढ़ाओ। मैं दिमाग की दही कर रही हूँ? ये बातें आगे ना बढ़ाओ। तुम करो, ठीक है? तुम कह रहे हो क्यों अच्छी लग रही है उसकी तरह बनो। यार अभी तुम हो अच्छे, ठीक है, क्यूट हो, अच्छे से सुंदर हो, कोई इंसान तुम्हारी देख के तारीफ करेगा तो क्या वो गुनाह हो गया? तो गुनाह वाली बात नहीं, लेकिन तुम मेरे सामने उसकी तारीफ कर रहे हो, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही क्या? अभी क्या बोलूं मैं तुम्हें यार, तुम यहाँ से जाओ, मैं अकेला बैठा रहने दो मेरे को, जाओ। तुम जाओ, मैं नहीं छोड़ रही तुम्हें उसके साथ। क्यों? तो मैं क्या उसके साथ क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं तो उससे बैठ के देखो क्या कर रही हो। वो तुम्हारे यहाँ पे पत्ता था ऊपर पेड़ का गिरा हुआ, वो हटाया उसने। क्या हो गया तुम्हें? क्या तुमने अभी दोबारा टच किया? बार बार छोड़ो ना, इसने अभी दोबारा टच किया यार। आप लोग प्यार करते हो ना एक दूसरे से? हाँ। है ना? तुम भी करते हो उससे? बोल बिल्कुल। अरे घंटा प्यार करते हो, तुम्हें सब कुछ पता है, फिर भी तुम कुछ नहीं बता रहे हो उससे। मैं कब से फ्लर्ट कर रही हूँ, बंदा रिस्पोंड कर रहा है प्रॉपरली। तो वही तो मैं कह रही हूँ, तुमने हद कर रखी है, हद। यार वो तुमसे प्यार ही नहीं करता है, वो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। अभी तुम्हें बताना चाहिए था। खेलो ठीक है ना? मैं टाइम पास हूँ? किसने बोला तुम्हें? भाई वो लड़की तुम्हें कब से टच कर रही है? मैंने अपनी आंखों से 3-4 बार देखा, मैं अंधी हूँ क्या? दिमाग खराब हो रहा है मेरा बहुत ज्यादा, ठीक है ना? बहुत ज्यादा हो गया तुम्हारा। कर रखा है सीरियसली। कैन आई हैव योर नंबर प्लीज? दे दो नंबर, दे दो दो नंबर। जाओ यहाँ से भी तुम। मैं क्यों जाऊँ? क्यों हद है, मैं क्यों जाऊँ? मुझे पता है तुम्हें। एक बात बताऊँ? जी बताइए। मैं तुमसे पटने वाली नहीं हूँ, मैं जस्ट एक नॉर्मल सा प्रैंक कर रही थी और कुछ नहीं है। और मेरा सामने कैमरा लगा हुआ है, वो रहा। म्यूजिक। ठीक है, मैं जस्ट एक लॉयल्टी टेस्ट कर रही थी कि आजकल बंदा बंदी दूसरे के लिए कितना ज्यादा सीरियस है रिलेशनशिप में। बट आप तो एक्सपोज्ड हो गए प्रॉपरली, कैमरा लगा हुआ था सामने। अब ना मैं इसे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? किसी और को ढूंढो। मैं अंधी नहीं हूँ, मैं भी देख रही थी पूरा का पूरा, टच कर रही थी वो लड़की तुम्हें, और ये भी मजे ले रहा था प्रॉपर। भाई हद होती है यार सीरियसली। देखो तुम्हें क्या करना, मैं तो जा रही हूँ, एक नॉर्मल प्रैंक कर रही थी, वीडियो डाल दूंगी, सिंपल सी बात है। बाय बाय। बकवास मत करो, ठीक है? फक ऑफ यार। बाबू आओ ना प्लीज, सॉरी यार। गेट लॉस्ट। होप आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जिसने अभी तक नहीं केमी 7 चैनल को सब्सक्राइब, जल्दी से कर लो, लेटेस्ट वीडियोस अब कंटिन्यूअसली आएगी। तो जाओ सब्सक्राइब करो। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।